कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल मैच नंबर 19 दोस्तों खेले जाने वाला है ईडन गार्डन कोलकाता पे। और आज के इस वीडियो पे दोस्तों आप लोग देखने वाले हो दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के स्टैट्स के बारे में, उनके रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में और वेन्यू रिकॉर्ड के साथ। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आज के इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स देखोगे और अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के प्लेयर हो तो कुछ इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर के साथ आप लोगों को बताऊंगा इस मैच के पंट प्लेयर्स के बारे में। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं ईडन गार्डन कोलकाता के वेन्यू को। ओके दोस्तों, अगर वेन्यू स्टैट्स की मैं आप लोगों से बात करूं तो लास्ट मैच से पहले एक बार पूरे इस ग्राउंड के स्टैट्स को समझते हैं। दोस्तों यहां पर 79 आईपीएल के मैचेस हो चुके हैं जिसमें से कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम 32 बार जीती है और चेस करते वक्त टीम यहां पर 47 टाइम्स जीती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर चेस करना थोड़ा सा आसान है। जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इस वेन्यू पे बना है वो है 112 रन का और बेस्ट बॉलिंग फिगर दोस्तों इस वेन्यू पे है 5 विकेट 19 रन देकर सुनील नारायण का, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स है। बाकी हाईएस्ट टीम स्कोर देखोगे तो यहां पर 232 रन बने थे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही बनाए थे। और लोएस्ट टीम यहां पर स्कोर देखोगे तो 49 रन बने हैं 10 विकेट के नुकसान पे। जो हाईएस्ट रन दोस्तों यहां पर चेज हुआ है वो 188 रन चेज हुआ है और यहां पर एवरेज रन पर विकेट देखोगे तो 27 आप लोगों को दिखेगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा ईडन गार्डन कोलकाता का पिच बैट्समैन को फेवर करता है, फ्लैट पिच रहता है और काफी हाई स्कोरिंग मैचेस यहां पर आप लोगों को देखने पे मिलते हैं क्योंकि ग्राउंड का डायमेंशन भी छोटा है और पिच भी हमेशा यहां पर बैट्समैन को फेवर करती हुई आप लोगों को दिखेगी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अच्छा हम सभी लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो पहली बॉल पे जब आउट हो जाते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, ट्राई बॉल है इस पे आउट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों माई इलेवन सर्कल ऐप की तरफ से आप सभी लोगों के लिए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स भाइयों लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर है, ट्राई बॉल ऑफर। इस पे क्या है मालूम है, आप लोग जो अपना पहला मैच खेलोगे ना वो मैच आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, मतलब जो आपकी एंट्री रहेगी वो आपकी एंट्री वापस कर दी जाएगी अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो। तो मौका है आप लोगों के पास करोड़ों कमाने का, वो भी बिल्कुल फ्री, तो मिस मत कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए अब इस वेन्यू के रिकॉर्ड को डिकोड करते हैं क्योंकि यहां पर एक मैच खेला जा चुका है, कोलकाता और आरसीबी के बीच में यह मैच हुआ था। डेरी मॉरिसन ने पिच रिपोर्ट दी थी, उन्होंने पिच में क्या बोला था, देखो उन्होंने एक तो बात की थी पिच की डायमेंशन की, ग्राउंड की डायमेंशन की, 58 मीटर्स और 54 मीटर्स, ठीक है ये डायमेंशन थी पिच की। जैसे ये बैट्समैन है यहां पर ये वाली जो डायमेंशन थी ये डायमेंशन काफी छोटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहां के अगर लास्ट के 9 मैचेस देखोगे ना तो यहां के लास्ट के 9 मैचेस के फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 195 रन है। इसका मतलब क्या है, बैटिंग पैराडाइज है पिच दोस्तों, हाई स्कोरिंग मैच आप लोगों को दिखेगा। बिल्कुल वैसा हुआ, कोलकाता की टीम बैटिंग करने आई और कोलकाता की टीम ने 204 रन बना दिए 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर पे। किसने अच्छा खेला था उस बात को देखो, रमनुल्ला गुरबाज ने अच्छी 57 रन की पारी खेली थी, वेंकटेश अय्यर, मनदीप सिंह और नीतीश राणा, जबकि आप लोग देख लो पूरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, क्लियर। सिर्फ रमनुल्ला गुरबाज खेल पाए थे, वेंकटेश अय्यर, मनदीप सिंह, नीतीश राणा तीनों फ्लॉप हो गए थे। रिंकू सिंह ने अच्छी पारी खेली थी 46 रन की, एंड्रे रसल भी फ्लॉप थे, शार्दुल ठाकुर ने एक जबरदस्त पारी खेली थी दोस्तों उस दिन इस वेन्यू पे। बाकी विकेट किसे मिले थे, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला था, पेसर को डेविड विली को 2 विकेट मिले थे, पेसर को माइकल ब्रेसवेल को 1 विकेट मिला था जो कि स्पिनर है, करण शर्मा को 1 विकेट मिला था स्पिनर है, बाकी 1 विकेट दोस्तों यहां पर हर्षल पटेल को मिला था। अच्छा जब इस रन को चेस करने आरसीबी की टीम आई ना तो पूरी टीम ही कोलैप्स्ड हो गई दोस्तों सिर्फ 123 रन पे, क्लियर। सेकेंड इनिंग्स पे क्या हुआ देखो, फाफ डुप्लेसी ने 23 बनाए, विराट कोहली ने 21 बनाए, ब्रेसवेल ने 19 बनाए, उसके बाद लगभग सारी टीम कोलैप्स्ड हो गई।
किसने किया? यहां पर देखो, सुनील नारायण 2 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर इस वेन्यू के सुनील नारायण ही है। वरुण चक्रवर्ती 4 विकेट, श्रुया शर्मा 3 विकेट, मतलब स्पिनर का बोल बाला रहा सेकंड इनिंग्स पे कंप्लीटली। देखे हो ना, सेकंड इनिंग्स पे पूरा बोल बाला स्पिनर का रहा। फर्स्ट इनिंग्स पे पेसर को विकेट्स मिले थे, सेकंड इनिंग्स में यहां पर स्पिनर को विकेट्स मिले हैं। क्लियर है वेन्यू का, पिच का बिहेवियर लास्ट मैच को देखते हुए। बाकी यहां पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, ज्वाइन नहीं किया है ना, तो सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल टीम देता हूं, जिस टीम के साथ मैं खेलता हूं, और जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग खेल रहे हैं और सभी लोग जीत रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई भी इन्फ्लुएंसर की टीम के साथ आप लोग टीम को पक्का से एक बार कंपेयर कीजिएगा, बिकॉज बिना रिजल्ट के आप लोगों को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो टेलीग्राम ग्रुप करके पहले स्क्रॉल अप करके सारे रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज्वाइन पक्का से कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर पक्का से कर दीजिएगा। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं आप लोगों से सब्स्टिट्यूट प्लेयर के बारे में बात करूंगा इस मैच के, उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर भी बताऊंगा लास्ट मैच में जो आए थे। ओके, यहां देखो, अगर बात करूं दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 की, तो रमनुल्ला गुरबास और जगदीशन ने ओपनिंग करा था टीम के लिए। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे नीतीश राणा आए थे, फिर रिंकू सिंह आए थे, फिर एंड्रे रसल आए थे, फिर सुनील नारायण आए थे, फिर शार्दुल ठाकुर आए थे। उसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन पे उमेश यादव, लॉकी फर्गुसन, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा थे। वहीं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को देखोगे तो यहां पर मयंक अग्रवाल और हैरी ब्रूक ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे राहुल त्रिपाठी आए थे, फिर एडल माक्रम आए थे, फिर हेनरिक क्लासन आए थे, फिर वॉशिंगटन सुंदर आए थे, फिर मार्को जेनसन आए थे। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन पे भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक और टी नटराजन थे। ये सनराइजर्स हैदराबाद की लास्ट मैच की प्लेइंग 11 थी। सब्स्टिट्यूट प्लेयर कौन थे दोनों टीमों के और इंपैक्ट प्लेयर कौन थे, अब उस बात को देख लीजिए। यहां देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कोलकाता नाइट राइडर्स के सब्स्टिट्यूट प्लेयर देखोगे तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर पे मनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोरा, वेंकटेश अय्यर और डेविड विजी थे। श्रेया शर्मा जो कि बॉलर है, उन्होंने अपनी बॉलिंग करने के बाद वो टीम से आउट हो गए थे, और वेंकटेश अय्यर एज अ बैट्समैन टीम पर इन हो गए थे। तो वेंकटेश अय्यर लास्ट मैच के इंपैक्ट प्लेयर थे, और उन्होंने एक ताबड़तोड़ इंपैक्ट पारी भी खेली थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को अगर आप लोग देखोगे तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर पे आप लोगों के पास मयंक डागर, उपेंद्र यादव, ग्लेन फिलिप्स, अकील हुसैन और अब्दुल समाद थे, और उन्होंने कोई भी इंपैक्ट प्लेयर को लास्ट मैच पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था। क्लियर? ओके, अब आ जाओ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात। हाँ, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि माय 11 सर्कल ऐप पर आप लोगों के लिए जो पहला मैच है ना वो फ्री है, मतलब आप लोग दोस्तों फ्री में करोड़ रुपए विन कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आपका लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों ने पैसा लगाया होगा कॉन्टेस्ट पे वो आप लोगों का रिफंड हो जाएगा। तो फ्री पे यहां पर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। तो सभी भाई लोग जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ऐप को डाउनलोड करना। जब वॉलेट पे अपना बाकी फर्स्ट प्राइज आप सभी लोगों को बताए 1 करोड़ रुपए और ऑडी A4 है, सेकंड प्राइज 1 करोड़ का है, मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो तो 1500 रुपए का बोनस मिलेगा, प्लस फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे क्रिक23 कोड को पक्का से यूज कीजिएगा। 100 रुपए भी डालोगे ना दोस्तों और इस कोड को यूज करोगे तो आएंगे 120 रुपए। फर्स्ट गेम तो फ्री है, टीम बनाकर डाल देना मेगा ग्रैंड लीग पे, उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा, अगर हारते हो तो पैसे वापस हो जाएंगे, क्लियर है। तो सभी लोग, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऐप को डाउनलोड नहीं करेगा, सभी लोगों ने करना है, और स्पेशली इसी मैच के लिए यह ऑफर है, और सिर्फ आप लोगों के लिए है जो मेरे लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्लियर।
चलिए दोस्तों अब सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे कोलकाता के टीम पे रामनुल्ला गुरबाज और नारायण जगदीशन दिखते हैं। ओके, दोनों ने मिलकर लास्ट मैच में ओपनिंग कराया था। नारायण जगदीशन का ये पहला मैच था, 6 रन बनाए थे। उससे पहले दोस्तों ये 8 आईपीएल के मैच खेल चुके हैं जिसमें 19 का इनका एवरेज है और बेस्ट स्कोर अभी तक 39 का है। वही रमनुल्ला गुरबाज की अगर मैं बात करूं तो इन्हें देखोगे तो 22, 57 और 15 रन बना चुके हैं। वेन्यू पे एक मैच खेला था इन्होंने जिसमें इन्होंने 57 रन बनाए थे। ये जो इनका परफॉर्मेंस है ना, ये इसी वेन्यू का इनका रिकॉर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेन्यू दोस्तों बैट्समैन को फेवर करती है। तो मेरे हिसाब से रामनुल्ला गुरबाज एक काफी अच्छे पिक रह सकते हैं इस मैच के लिए। बाकी आईपीएल पे 3 मैच खेला है अभी तक, 31 का इनका एवरेज चल रहा है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पे दोस्तों आप लोगों को हेनरिच क्लासन दिखेंगे। लास्ट मैच में बैटिंग नहीं किया है बट दोस्तों प्लेयर ये ना बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। वेन्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट एक बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत हाई पोटेंशियल प्लेयर है दोस्तों। मेगा ग्रैंड लीग पे अगर आप लोग कोई पंट प्लेयर ढूंढ रहे हो ना, तो हेनरिच क्लासन आप लोगों के लिए वो पंट प्लेयर बन सकता है, इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाकी स्मॉल लीग पे रमनुल्ला गुरबाज एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, मेगा ग्रैंड लीग पे हेनरिच क्लासन एक पंट प्लेयर के इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहेंगे। क्लियर, अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा ताकि इस पूरे आईपीएल में आप लोगों को एक भी वीडियो मिस ना हो और टाइमली आप लोगों को सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, यहां पर देखोगे तो लास्ट मैच में वेंकटेश अय्यर इन हुए थे और मैंने आप लोगों को बताया था जबरदस्त पारी खेली थी इन्होंने 83 रन की। क्लियर, उसके बाद दोस्तों नीतीश राणा ने भी लास्ट मैच में अच्छी पारी खेली थी 45 रन की और रिंकू सिंह ने जबरदस्त पारी खेली थी 48 रन की। क्लियर, तो अगर आप लोग देखोगे वेंकटेश अय्यर के लास्ट के 3 मैच में 34-3 फिर एक जबरदस्त पारी आई 83 रन की। बट वेन्यू पे जो एक मैच खेला इन्होंने उसमें 3 ही रन बनाया है। हेड टू हेड 3 मैच में 7 का ही इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 8-3 का है, मतलब हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। बाकी नीतीश राणा की अगर मैं बात करूं तो 24-1 लास्ट मैच में 45 रन बनाए हैं। ओके, अभी तक उतने अच्छे फॉर्म पे दिखे नहीं है इस आईपीएल पे जो कि पोटेंशियल रखते हैं। बाकी 13 हेड टू हेड मैच में 32 का इनका एवरेज है। वेन्यू पे 16 मैच खेला है जिसपे 32 का एवरेज है। आईपीएल पे 94 मैच खेला है जिसपे 28 का इनका एवरेज है। वेन्यू पे दोस्तों 16 मैच पे 50 चार बार बना चुके हैं और बेस्ट स्कोर 85 नॉट आउट का है, मतलब वेन्यू पे नीतीश राणा को खेलना पसंद है। बाकी रिंकू सिंह की अगर मैं बात करूं तो ग्रेट फिनिशर है दोस्तों, लास्ट मैच पे जबरदस्त इन्होंने फिनिश किया टीम के लिए। बाकी वेन्यू पे देखोगे तो 6 मैच खेले हैं, 19 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 46 का है। आईपीएल पे 20 मैच पे 24 का एवरेज है। इससे पहले साल के जो आईपीएल मैचेस थे ना उसपे रिंकू सिंह नीचे खेलने आते थे, काफी उतना पोटेंशियल नहीं मिलता था, बट अभी के टाइम पे ना रिंकू सिंह अच्छे पोजीशन पे खेलने आ रहे हैं, इसीलिए इंपैक्ट भी दिखा रहे हैं। लास्ट के दोनों मैच पे इंपैक्ट दिखाया है उन्होंने, हाई पोटेंशियल प्लेयर है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पंट पिक रहते हैं मेगा ग्रैंड लीग पे, हम लोगों ने इन दोनों मैच में मैंने इन्हें एज अ पंट पिक दिया था, मैंने बोला था आप लोगों को रिंकू सिंह हाई पोटेंशियल प्लेयर रहता है। ओके, सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मयंक अग्रवाल अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, 27-8-21 रन बनाया है। बाकी वेन्यू पे 4 मैच खेला है, 26 का एवरेज है, 58 बेस्ट स्कोर है, 50 एक बार बना चुके हैं। हैरी ब्रूक, अब ये भी बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों हैरी ब्रूक, ठीक है। अब हैरी ब्रूक के पास डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, स्पिनर के आते ही प्रॉब्लम हो जाती है हैरी ब्रूक को, बट पेसर को बहुत अच्छी तरीके से खेल देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंट प्लेयर है दोस्तों, बहुत ही शानदार बैट्समैन है, इस बात को ध्यान रखेगा। इससे पहले देख रहे हो जो टेस्ट मैच खेलकर आ रहे हैं सब पे शतक बनाकर आ रहे हैं, 100+ रन हर बार करते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखेगा। मेगा ग्रैंड लीग पे अगर ड्रॉप करने की सोच रहे हो ना तो एक बार दोबारा सोच लेना, अगर जम गया ना पूरा गेम चेंज कर देगा, इस बात को लिख के ले लो। बाकी राहुल त्रिपाठी
पहले मैच में डकी आउट हुए, दूसरे मैच में 34 रन बनाए, तीसरे मैच में इन्होंने 74 रन की पारी खेली। बाकी हेड टू हेड 8 मैच में 34 का एवरेज है, वेन्यू पे 3 मैच में 46 का एवरेज है, आईपीएल पे 79 मैच में 28 का एवरेज है। और ये देख रहे हो, ये इन्होंने राहुल त्रिपाठी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट ईडन गार्डन पे अपना हाईएस्ट स्कोर 93 का बनाया है। नोट डाउन करने वाली बात है दोस्तों, वेन्यू भी सेम था, अपोनेंट भी सेम है, इसीलिए इस बात को भी नोट डाउन करके रखिएगा। राहुल त्रिपाठी का स्टैट्स काफी अच्छा लग रहा है। ओके, अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। ऑलराउंडर वाला सेक्शन इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। एंड्रे रसल को अगर आप लोग देखोगे तो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं एंड्रे रसल, और बैटिंग पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे एक मैच में चलो 35 किया, उसके बाद डकी, फिर लास्ट मैच में भी 1 रन पे आउट हो गए। अब एंड्रे रसल की भी कमजोरी पता है दोस्तों सभी को, ठीक है। अब स्पिन के आगे एंड्रे रसल भी स्ट्रगल करते हैं। लास्ट मैच में भी आप लोगों ने देखा था, रशीद खान ने इन्हें आउट कर दिया था। 19 ओवर पे आए थे एंड्रे रसल के लिए, ये टीम ने रशीद खान को रखा था और रशीद खान ने आके इन्हें भी आउट किया था, और उसके बाद लगातार 2 विकेट लेकर हैट्रिक भी बना लिया था अपना, क्लियर। बाकी वेन्यू पे परफॉर्मेंस अच्छा है, वैसी बात नहीं है। 30 मैच में 38 का एवरेज है, 27 विकेट भी है, 50 चार बार बना चुके हैं और 4 विकेट होल्ड भी कर चुके हैं इस वेन्यू पे, क्लियर। पता नहीं अब बॉलिंग करते हैं नहीं करते हैं, उसका अभी डाउट है दोस्तों। अगर बॉलिंग करेंगे तो इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर तो सीवीसी के कंटेंडर रहते हैं। बाकी सुनील नारायण का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, विकेट्स यहां देखो 1 विकेट, फिर 2 विकेट और लास्ट मैच में 3 विकेट। बाकी वेन्यू पे देखो 45 मैच में इन्होंने 57 विकेट्स निकाले हैं। बैटिंग पे भी इस वेन्यू पे ये एक बार 50 बना चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों इस वेन्यू पे 68 रन की पारी खेली थी। मतलब इस वेन्यू का पिच इतना अच्छा है ना कि एक बॉलर भी आकर यहां पर 68 रन की पारी खेल सकता है, तो बैट्समैन अगर जम जाए तो सोचो क्या करेगा, क्लियर। बाकी 2 मैच में फ्लॉप रहे थे, इस मैच में एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी। बाकी ओपन और डेथ पे बॉलिंग करेंगे अपने, 3 ओवर या 4 ओवर पूरे करते हैं, सुनील नारायण अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के टीम पर आप लोगों को एडल माकरम दिखेंगे। एडल माकरम दोस्तों पहला मैच मिस हुआ था, उसके बाद यहां कुछ नहीं किया है। लास्ट मैच में 37 रन की इन्होंने पारी खेली थी, उससे पहले दोस्तों अच्छे फॉर्म पर है। ओडीआई पे देखो एक बार 175 रन की पारी खेलकर आ चुके हैं। बाकी हेड टू हेड बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैच में 68 का इनका एवरेज है और 50 एक बार बना चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी वॉशिंगटन सुंदर की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कुछ फॉर्म नहीं आया है, यहां देख लो किसी भी मैच पे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेन्यू पे 2 मैच पे 3 विकेट है इनके पास, बाकी हेड टू हेड 7 मैच पे 7 विकेट है, क्लियर। वेन्यू और हेड टू हेड का रिकॉर्ड तब भी इनके करियर रिकॉर्ड से अच्छा है, बट बॉलिंग कम दिया जा रहा है दोस्तों, 1-2 ओवर कर रहे हैं, बस वही डिसएडवांटेज है। मार्को जेंसन की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग पे मार्को जेंसन अच्छी स्विंग करा सकते हैं बॉल को, अगर पिच पे, स्टार्टिंग पे पिच रिपोर्ट बक्का से सुन लीजिएगा, वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगर पेसर को एडवांटेज रहा दोस्तों और नए बॉल के साथ मार्को जेंसन बॉलिंग करने आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छी स्विंग कराते हैं दोस्तों, विकेट टेकर बॉलर है। यहां देखो लास्ट मैच खेला इन्होंने, 2 विकेट निकाले, 3 ओवर अपने कराए थे। ओपनिंग पे बॉलिंग करने आएंगे, बाकी हेड टू हेड कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 3 हेड टू हेड मैच पे 2 ही विकेट निकाले हैं। बैटिंग से तो इतना इंपैक्ट नहीं, बट बॉलिंग पे बॉल को अच्छा मूव कराते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। ऑलराउंडर सेक्शन, अच्छा ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए गिव अवे का एक क्वेश्चन भी पूछते हैं। आज के गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों ने मुझे बताना है इस मैच पे एडल माकरम कितने रन बनाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 2 कमेंट कर सकते हो, ठीक है, स्पैम नहीं करना है। 10-20 कमेंट करोगे तो उनका आंसर सही नहीं माना जाएगा, सीधा बताना है एडल माकरम कितने रन बनाएगा। जितने भी लोगों का जवाब सही जाएगा दोस्तों सभी लोगों को ₹500 का कैश अवार्ड मिलेगा, क्लियर। बट ध्यान रखिएगा कमेंट आप लोग कितना करोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 कमेंट कर सकते हो, क्लियर है। ओके, अब आ जाओ दोस्तों अपने, बाकी वीडियो को लाइक किया हुआ होना चाहिए, वीडियो शेयर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये सारे चीज चेक हो जाते हैं, वीडियो शेयर किया है कि नहीं किया है, वीडियो लाइक किया हुआ हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो, क्योंकि रिजल्ट टेलीग्राम ग्रुप पर ही पब्लिश होंगे। ओके, अब आ जाओ अपने बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे।
बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को उमेश यादव दिखेंगे, अभी तक कुछ परफॉर्मेंस खास नहीं रहा है, एक विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट, ठीक है, दो अपने पूरे चार ओवर शायद करेंगे। लॉकी फर्गुसन लास्ट मैच खेले थे बट विकेटलेस गए थे, बट लॉकी फर्गुसन एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, अच्छी स्पीड से बॉल निकालते हैं, जहां एक विकेट निकला समझो फिर तीन विकेट्स पक्का से जाएंगे, ठीक है। बाकी वेन्यू पे तीन मैच खेला है, एक ही विकेट निकाला है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है वेन्यू पे क्या होता है, बैट्समैन फ्रेंडली पिच रहती है, तो पेसर को वहां पर ज्यादा एडवांटेज नहीं रहता है, फर्स्ट इनिंग्स में मिल जाता है, सेकंड इनिंग्स में नहीं मिल पाते विकेट्स। वरुण चक्रवर्ती यहां देखो, इस वेन्यू पे चार विकेट निकाले थे वरुण चक्रवर्ती ने, और श्रेयस शर्मा की बात करूं तो इन्होंने तीन विकेट निकाले थे। बाकी वरुण चक्रवर्ती ने पहले मैच में एक विकेट और लास्ट मैच में जीरो विकेट गए थे, श्रेयस शर्मा ने लास्ट मैच में भी एक विकेट निकाला था, क्लियर? ओके, वहीं दोस्तों अगर आप लोग यहां पर देखोगे भुवनेश्वर कुमार को देखोगे तो भुवनेश्वर कुमार कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पाए हैं, जीरो विकेट, एक विकेट, एक विकेट, कुछ खास इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। मयंक मार्कंडे को देखोगे, ये आदिल राशिद कहां से है, या मयंक मार्कंडे है, ठीक है ना, आदिल राशिद नहीं है। मयंक मार्कंडे को अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट मैच में चार विकेट निकाले थे मयंक मार्कंडे ने, ठीक है, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं दोस्तों, मयंक मार्कंडे अच्छे बॉलर है, विकेट निकाल कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स पे ना स्पिनर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उमरान मलिक काफी अच्छी स्पीड से बॉलिंग करते हैं दोस्तों, एक विकेट, एक विकेट, दो विकेट, विकेट टेकर है, अगर डेथ के ओवर पे आते हैं और अगर डेथ के जो बैट्समैन होते हैं मतलब बॉलर वाले बैट्समैन आ गए ना, सभी को बोल्ड मार देंगे, क्योंकि वो अच्छी स्पीड से यॉर्क लेंथ पे बॉलिंग डालते हैं, विकेट निकाल ही लेते हैं। बाकी टी नटराजन की मैं बात करूं तो पहले मैच में अच्छा ओवर कराया था, उसके बाद दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा पूरे अपने चार ओवर करते हैं और डेथ पे बॉलिंग करने आते हैं, क्लियर? तो डेथ पे बॉलिंग कौन करने आएगा, डेथ पे दोस्तों देखो उमरान मलिक आता है, टी नटराजन आता है, भुवनेश्वर कुमार, ये तीनों मिलकर डेथ के ओवर डालते हैं, क्लियर? मयंक मार्कंडे आप लोगों को बीच में बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। बाकी यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो उमेश यादव ओपनिंग पे बॉलिंग करता है, लॉकी फर्गुसन डेथ पे बॉलिंग करता है, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा आप लोगों को मिडल ओवर करते हुए दिखेंगे, क्लियर है बॉलिंग सेक्शन? ओके, अब एक बार इंपॉर्टेंट मैचअप्स को देख लो। मैचअप की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो, उमेश यादव ने मयंक अग्रवाल को दो बार आउट किया है और एडन माकरम को एक बार आउट कर रखा है, शार्दुल ठाकुर ने एडन माकरम और हेनरिच क्लासन को एक बार आउट कर रखा है, बाकी सुनील नारायण ने मयंक अग्रवाल को दो बार आउट कर रखा है, ठीक है। बाकी एंड्रयू रसेल अभी के टाइम पे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप लोग देखोगे तो एंड्रयू रसेल ने मयंक अग्रवाल को दो बार आउट कर रखा है, राहुल त्रिपाठी को दो बार आउट कर रखा है और वॉशिंगटन सुंदर को भी आउट कर रखा है, क्लियर? तो एंड्रयू रसेल बॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं बट बॉलिंग करेंगे तो विकेट्स ले जाएंगे। बाकी यहां पर देखोगे नीतीश रैना को भुवनेश्वर कुमार दो बार आउट कर चुके हैं, टी नटराजन दो बार आउट कर चुके हैं, वेंकटेश अय्यर को टी नटराजन ने आउट किया है, रिंकू सिंह को भी टी नटराजन ने आउट किया है, बाकी रमनुल्ला गुरबास को भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही बॉल पे आउट कर रखा है, क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप है, एक बार टीम बना लोगे तो मैचअप के हिसाब से प्लेयर को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे जो मेरी टीम है उस टीम को अगर आप लोग देख लीजिए, ओके यहां पर देखो एक एक करके सारी टीम समझाता हूं। इस टीम को देखोगे तो इस वाले टीम पर मैंने क्या किया है, मैंने रमनुल्ला गुरबास को लिया है, ठीक है, मैंने यहां से नीतीश राणा और मयंक अग्रवाल को लिया है, बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे मुझे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर लगे थे दोस्तों, इसीलिए मैंने सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, एंड्रयू रसेल, एडन माकरम और मार्को जेंसन को लिया है, बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे लॉकी फर्गुसन, मयंक मार्कंडे और उमरान मलिक है। यहां पर देखोगे तो यहां मैंने बैटिंग वाले सेक्शन को ज्यादा फोकस कर दिया है, रमनुल्ला गुरबास के साथ अब नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर है, यहां पर मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी और एडन माकरम है, और बॉलिंग वाला सेक्शन अगर आप लोग देखोगे तो मयंक मार्कंडे के साथ सुनील नारायण है, लॉकी फर्गुसन, शार्दुल ठाकुर और उमरान मलिक आप लोगों को दिखेंगे। बाकी थर्ड टीम अगर आप लोग देखोगे तो थर्ड टीम पर आप लोगों को क्या चेंजेस दिखेंगे, यहां पर मयंक अग्रवाल की जगह मैंने यहां पर राहुल त्रिपाठी को जगह दिया है, क्लियर? बाकी टीम सेम है, यहां पर नीतीश राणा है, यहां पर रामनुल्ला गुरबाज है, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर और एंड्रयू रसेल है, एडन माकरम और मार्को जेंसन है, लॉकी फर्गुसन, मयंक मार्कंडे और उमरान मलिक है, क्लियर? तो यहां पर देखो इस टीम पर मैंने क्या किया है, एंड्रयू रसेल को निकाला है,
ठीक है, क्योंकि अगर एंड्रॉयड ऐसे बॉलिंग नहीं करता और रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कुछ खास नहीं कर पाएगा। बाकी मार्को जेंसन अगर स्टार्टिंग पे विकेट नहीं ले पाया, क्योंकि स्टार्टिंग पे ही अपने दो ओवर डाल देगा, और स्टार्टिंग पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर बैट्समैन को रखे हुए हैं स्टार्टिंग के, अगर इन्हें आउट नहीं कर पाया तो फिर इतना इंपॉर्टेंट, सॉरी यहाँ पर रमनुल्ला गुरबाज है मेरे पास, ठीक है, तो उन्हें आउट नहीं कर पाया तो इतना इंपैक्ट नहीं दे पाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों अभी के टाइम पे ये तीन टीम है। बाकी एक बार पिच रिपोर्ट के बाद आप लोगों को फाइनल टीम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन करके पक्का से रख लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को बताया था कि इस मैच पे आप लोगों के पास मौका है फ्री पे मेगा ग्रैंड लीग खेलने का। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से माई 11 सर्कल ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, सभी लोग जिम्मेदारी से खेले। धन्यवाद दोस्तों।